नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जसपाल सिंह और मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल गिलट्रक बॉडीज माना पर। जैसे कि आप देख सकते हो, हमारे ठीक सामने खड़ी हैं अशोक लेलैंड, दो गाड़ियां तैयार खड़ी हैं बिल्कुल। और ये गाड़ियां जो हैं वो 14 चक्का हैं, 30 फीट लंबाई है इस गाड़ियों की। और ये लंबाई जो आ रही है वो 16 चक्का में भी सेम लंबाई आ रही है, सेम बॉडी और कैबिन तैयार होता है 16 चक्का का भी। उत्तर प्रदेश बलिया की गाड़ियां, दो गाड़ियां तैयार, यूपी 6080 1010 और दूसरी वाली आप देख सकते हो यूपी 6080 2020। और इन दोनों गाड़ियों का वर्किंग व्यू हमने ऊपर यहाँ पे लिंक दिया हुआ, उस पर डाला हुआ है, वहाँ पे आप वर्किंग व्यू चेक कर सकते हो कैसे ये गाड़ियाँ बनी हैं। और जो पेंट के बाद इनका रेडियम के बाद जो अब व्यू आ रहा है वो आप इस वीडियो में आपको हम दिखाएंगे, ठीक है जी। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं, ऊपर आप देख सकते हो माता रानी जी का मंदिर बना हुआ है, गुड्स कैरियर नेशनल परमिट, ऑल ओवर इंडिया परमिट, डबल आई कैट्स देख सकते हो आप, स्टील हैंडल्स और स्टील खंडे, स्टील राजस्थानी डंडे, शीशे उस पर लगे हुए हैं, वाइपर मशीन है वो नीचे सेटिंग की हुई है उसकी देख सकते हो आप, सारा स्टील का आगे फ्रंट का सारा स्टील का वर्क हुआ हुआ है, शीशे आप देख सकते हो पूरी माँ मेरी दुनिया तेरे आंचल में। और देख सकते हो आप ऊपर LED लाइट्स मंदिर में भी देख सकते हो आप, ऊपर माता रानी के मंदिर में आगे सारा शो का पेंट बहुत ही अच्छा मेटेलिक शो पेंट गाड़ी की हुई हुई है। और यहाँ पे देखो इंडियन आर्मी जिसकी गाड़ी है उनके पिताजी इंडियन आर्मी में, यहाँ पे देख सकते हो आप, और सीढ़ियाँ भी साथ में स्टील की लगाई गई हैं। टाटा का यहाँ पे बम्पर फिट किया हुआ है, उसमें आप देख सकते हो दो LED लाइट्स ऑटो पॉल की, यहाँ पे देख सकते हो ऑटो पॉल की साथ में लगा कर दिया है, यहाँ पर स्टील चढ़ी हुई है, आगे नीचे वाला बम्पर आगे किया हुआ है। और जहाँ पे देख सकते हो जाली में भी आपको यहाँ पे लाइट्स चारों तरफ अंदर से मिलेगी ताकि रास्ते को रोशनी फुल मिल सके गाड़ी में। और कैबिन की बात की है तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऊपर टूल बॉक्स बनाया गया स्टील का सारा काम किया गया सुपर फास्ट। यहाँ पे देख सकते हो गिलट्रक बॉडी बिल्डर्स का मार्का, यहाँ पे देख सकते हो आप पेंट हुआ सारा काम हुआ कंप्लीट। यहाँ पे डबल इंडिकेटर्स भी हम साथ में यहाँ पे लगा कर दे रहे हैं, अंदर से आपको कैबिन का व्यू करवाते हैं। दोनों गाड़ियों का कैबिन जो बना है वो सेम बना है, तो इस वजह से हम एक गाड़ी का आपको रिव्यू करवाते हैं पूरा अच्छी तरह से। यहाँ पे देख सकते हो जब कैबिन में हम करते हैं पूरा LED वर्क यहाँ पे हुआ है। पीछे आप देख सकते हो हाफ सरमाइका और हाफ पीछे गद्दा बनाया गया ताकि तकिया टाइप, ताकि पीछे आराम से आदमी लेटा जा सके। कुंडी वहाँ पे लगाई कपड़े टांगने के लिए, यहाँ पे वो स्पेयर पाइप भी साथ में मिलेगा ताकि कपड़े वगैरह और टांग सके। पंखा आपको देख सकते हो आप 24 वोल्ट का पंखा आपको साथ में मिलेगा। फायर एक्सटिंग्विश आपको यहाँ पे रहेगा। और ध्यान दे दो भोलेनाथ जी का मंदिर, माता जी का मंदिर यहाँ पे है। आगे गिलास रखा हुआ है, आप इसमें धूप बत्ती कर सकते हो, पानी पीने के लिए गिलास इधर रहेगा। और वाटर बॉटल स्टैंड भी साथ में यहाँ पे देख सकते हो, वाटर बॉटल स्टैंड भी यहाँ पे साथ में रहेगा। और सीट बेल्ट देख सकते हो आप, सीट बेल्ट भी यहाँ पे साथ में लगाई हुई है। मोबाइल चार्जर की बात की जाए तो यहाँ पे आपको मोबाइल चार्जर भी आपको साथ में मिलेगा। और सामान रखने के लिए यहाँ पे आपको और एक्स्ट्रा सामान मिलेंगे। और प्रेशर हॉर्न की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हो दोनों तरह के प्रेशर हॉर्न अवेलेबल हैं, पियानो वाला भी अवेलेबल है और ये नंबरिंग वाला है, यहाँ पे देख सकते हो आप इसकी आवाज़ हम आपको सुनाते हैं। इसकी नंबरिंग यहाँ से चेंज होती है। ये था जी प्रेशर हॉर्न की आपको आवाज। यहाँ पे जो लकड़ी की आगे मीटर प्लेट बनाई गई है उससे पूरी सेटिंग की हुई है, यहाँ पे सारे आपको यहाँ पे देख सकते हो आप जो भी कंट्रोल्स हैं वो सारे यहाँ पे। ब्लोअर का बक्सा यहाँ पे बनाया गया, म्यूजिक सिस्टम यहाँ पे फिटिंग हुआ, सोनी के स्पीकर्स ऊपर की तरफ रह रहे हैं यहाँ पे देख सकते हो आप। मैग्नेटिक बॉक्सेस देख सकते हो आप बिल्कुल ठीक सामने, यहाँ पे आपको सारे मैग्नेटिक बॉक्सेस साथ में मिलेंगे। यहाँ पे देख सकते हो सीट्स का बहुत साइड पे आप देख सकते हो नट साइड देखने के लिए वहाँ पे आपको शीशा मिलेगा और उसको लॉक करने के लिए आपको भी साथ में ऑप्शन मिलेगी। लॉक करने के लिए गाड़ी जैसे आपने लॉक करनी है तो उसके लिए आपको देख सकते हो यहाँ पर सबसे पहले आपको स्क्रीन मिलेगी।
और दूसरी यहाँ पे आपको ट्रेस्को लॉक में भी आपको ऊपर से लॉक मिलेगा, और तीसरा आपको यहाँ पे देख सकते हो स्क्रीन लॉक मिलेगा यहाँ पे, और चौथा ऑप्शन आपको लंबी चाबी वाला लॉक साथ में रहेगा। यहाँ पे आप इस गाड़ी को लॉक कर सकते हो आराम से इजीली, और जारे सारे जो कंट्रोल्स रहते हैं वो यहाँ पे देख सकते हो आप, सारे कंट्रोल्स यहाँ पे रहते हैं। फाइन की स्विचेस लगाए गए हैं यहाँ पे देख सकते हो, और जैसे सारे मैग्नेटिक बॉक्सेस साथ में बनाए गए हैं यहाँ पे देख सकते हो, मैग्नेटिक बॉक्स पूरी सफाई के साथ यहाँ पे काम होता है। यहाँ पे पूरी सूखी लकड़ी देख सकते हो आप, बिल्कुल सूखी लकड़ी लगाई हुई है, वाटरप्रूफ प्लाई लगी हुई है। यहाँ पे आके देख सकते हो मंदिर में पूरी डेकोरेशन के साथ सारा काम हुआ हुआ है, जो आपका क्लच ऑयल है वो सामने किया हुआ है यहाँ पर, ताकि इजी रहे, आसानी रहे चेकिंग करने में। चलिए हम बॉडी का रिव्यू आपको करवाते हैं। बॉडी की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हो बॉडी में टोटल ये गाड़ी है जो वो 41 23 और 37 18 सेम गाड़ी है। मान के चलिए जो इसकी लंबाई है वो 16 चक्की जितनी ही लंबाई है 14 चक्की की, एक इससे कम लंबाई वाली आती है वो 27 फिट वाली, ये है 30 फिट वाली गाड़ी। इसमें 5 एंगल डबल किए हैं, टोटल 12 बत्ते नीचे गाड़ी में डाले गए हैं, सेल का सारा एंगल लगा हुआ है यहाँ पे आप देख सकते हो, सेल का एंगल लगा 65 mm और 6 mm का हैवी वाला ओवरलोड ये बॉडी है, और सेम टू सेम 41 23 की ऐसी बॉडी बनती है। ऊपर आप देख सकते हो चैनल्स लगा हुआ है, उसके ऊपर डी पाइप लगा हुआ है, कुंडी आपको डबल कुंडी यहाँ पे मिलेगी। ऊपर जो बत्ते देख सकते हो वो भी आपको इसमें 7 मिलेंगे, नीचे आप देख सकते हो स्टील मगराट यहाँ पे साथ में लगा कर देंगे, दिल्ली वाला जाला यहाँ पे टैंकी की सेफ्टी के लिए इस साइड भी और उस साइड भी साथ में मिलेगा, और डीजल यहाँ पे डालने के लिए आपको यहाँ पे ऐसे ऑप्शन रहेगा, इसको भी आप नट बोल्ट कर से यहाँ से लॉक लगा सकते हो, यहाँ पे भी आप लॉक लगा सकते हो। और बालू गिट्टी मोरन जैसे खाली गाड़ी ने अनलोड करना है यहाँ पे देख सकते हो, दिल्ली वाला यहाँ पाठशाह भी आपको साथ में मिलेगा, इसको आप यहाँ पर ऐसे एडजस्ट करिए और ताकि खोलिए आराम से, और आपका मोरन जो है वो आराम से नीचे आएगा बिल्कुल। तो यहाँ पे देख सकते हो जो अंदर फ्लोर की बात की जाए तो यहाँ पे देख सकते हो लोहे का सेल का फ्लोर लगा हुआ है 5 mm का चक्र प्लेट चादर का। पीछे की बात की जाए तो यहाँ पे देख सकते हो आप चैनल्स लगे हुए हैं 2, उसमें लकड़ी बरकर पूरा अंदर से फुल पत्ती लगी हुई है और कांटी लगी हुई है, 5 फिट की गाड़ी की स्टील लगी हुई है। ऊपर आप देख सकते हो टोटल 7 बत्ते ऊपर की तरफ लगाए गए हैं, स्पेयर पाइप स्पेयर पौड़ी और स्पेयर सरिया आपको साथ में यहाँ पे मिलेगा। यही कस्टमर के मोबाइल नंबर, आप कस्टमर से हमारे कस्टमर से बात कर सकते हो, उनसे आप रूबरू हो सकते हो कैसे यहाँ पे काम हुआ हुआ है और कितने दिन में गाड़ी की डिलीवरी मिली। और सैनिक ट्रांसपोर्ट की ये गाड़ी है, यहाँ पे देख सकते हो 3M टेप ओरिजिनल 3M टेप भी है साथ में लगा कर देंगे, पूरा गाड़ी का कंप्लीट पैकेज आपको साथ में मिलेगा यहाँ पर। अगर आप कमानी का काम यहाँ करवाना चाहते हो तो वो कमानी काम भी यहाँ पे हो जाता है, यहाँ पे देख सकते हो जैसे इन्होंने कमानी यहाँ पे 4-4 कमानी यहाँ पे बढ़ाई है गाड़ी की पट्टे कमानी, और वो भी आपको यहाँ पे साथ में अवेलेबल है, यहीं पर आप गाड़ी खड़ी कर हो जाएगा काम। फट्टा बॉक्स देख सकते हो पीछे की तरफ, 4 बत्ते पीछे की तरफ, एक जो एक्स्ट्रा बत्ता डाला है वो यहाँ पर डाला हुआ है। पौड़ी आपको यहाँ पर फ्रंट बैक में भी मिलेगी और आगे भी मिलेगी, चारों साइड मिलेगी गाड़ी की। नीचे की बात की जैसे देखा जोकर भी साथ में यहाँ पे लगे हुए हैं, और यहाँ पे ताकि जो जहाँ पे तो क्या होता है यहाँ पे बत्ता है फर्श दबेगा नहीं, यहाँ पे दबने का बहुत चांस रहता है, इसलिए हमने यहाँ पे देखो एंगल की मजबूती के साथ हमने यहाँ पे कंट्रोल्स दिए हुए हैं। यहाँ पे भी आप देख सकते हो ऊपर से भी आपको जोके यहाँ से मिलेंगे, यहाँ से आप देखो जैक वगैरह लगाने में आपको दिक्कत ना हो यहाँ पे आप लगा सकते हो, यहाँ पे आप देख सकते हो और आपको एंगल्स यहाँ पे मिलेंगे। पार्किंग लाइट्स ब्रेक लाइट्स आपको साइड पे मिलेंगी। डाले के बैक की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हो लोहे के स्पेयर फट्टे बनाए गए हैं, 4 फट्टे बने हैं, 45 इंच का गाड़ी का डाला बना हुआ है, 3M का सारा काम हुआ हुआ है गाड़ी पर, और यहाँ पर जो डबलिंग का काम डाले का मिलेगा, नीचे आपको टायर मिलेंगे ताकि डाला जब खुले तो टायरों की सेफ्टी से बम्पर ना ख़राब हो और डाला भी ना ख़राब हो। और डाला खोलने का बहुत ही बढ़िया तरीका हमने निकाला है, सबसे पहले जैसे जो ऊपर वाला है 45 इंच पर जब हमने संगल लगाया तो सबसे पहले आप वो इसके सीडी के सहायता से
आप ऊपर जाकर खोलिए, उसके बाद आपको नीचे ये वाला खोलना पड़ेगा और उसके बाद आप इसको आराम से पढ़कर नीचे सख्त डाला, आपको कोई चोट नहीं लगेगी। दो डबल संगल्स हमने गाड़ी में लगाए गए हैं, फिक्स जाली साथ में बनाई गई है, फिक्स जाली हैं साथ में, हैवी पाँव रखने के लिए यहाँ पे ऑप्शन दी हुई है। जो पीछे वाला बम्पर है उसका काफ़ी लिफ्ट किया हुआ है ताकि जब गाड़ी बालू गिट्टी मोड़ने पर चले तो किसी तरह की दिक्कत ना आए। सेम साइड इस जगह पे भी आपको काम मिलेगा, दिल्ली जाला यहाँ पे आप देख सकते हो बिल्कुल ठीक सामने। गाड़ी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लेकर जरूर दबाएँ और साथ में हमारे यूट्यूब चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर नीचे दिया हुआ है 9041144223। इस गाड़ी का भी आपको काम सेम मिलेगा। बहुत दूर दूर से गाड़ियां आ रही हैं, जैसे ये गाड़ी है 3718, ये बोकारो की गाड़ी है, झारखंड में पड़ता है बोकारो, वहाँ की गाड़ी है और वो मैं आपको दिखाता हूँ। एक बहुत दूर से पहली बार हमारे साथ ये मणिपुर की गाड़ियाँ हैं, यहाँ पे देख सकते हो ये मणिपुर की गाड़ियाँ तैयार खड़ी हैं, उसके पीछे खड़ी है दो, उसके फिर आगे पीछे खड़ी हैं। ये गाड़ी जो आ रही है 3518 12 चक्का, ये गाड़ी वेस्ट बंगाल से आई हुई है, यहाँ पे देख सकते हो वेस्ट बंगाल का नंबर भी प्रिंट हुआ है, WB03TC228। ये गाड़ी जो है ये कोलकाता की है, ये वाली वेस्ट बंगाल, यहाँ पे देख सकते हो गाड़ी का ओरिजिनल नंबर प्लेट आ चुकी है WB29B8596। कच्चे माल के लिए स्पेशल ये गाड़ी बनाई हुई है। इसकी फुल वीडियो हम आपको यूट्यूब पर ऊपर दी हुई है और यहाँ पे आप उसका लिंक चेक कर सकते हो, आराम से देख सकते हो गाड़ी की फुल व्यू, यहाँ पे देख सकते हो आप हिमाचल की, देख सकते हो आप हिमाचल नालागढ़ बरमाना दारलाघाट सोलन अर्की मीरपुर सवारघाट, उसकी भी आपको गाड़ियाँ यहाँ पे साथ में मिलेंगी देखने को। अगर आपको गाड़ियाँ अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर दबाना और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। शब्बा खैर, रब रखा जी।